हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम अपना कोर्स ए कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी का। अब आज से हम हिंदी का कोर्स बी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी पहली बुक हमने ली है स्पर्श, स्पर्श भाग दो। हम इसको शुरू करेंगे। इसमें काव्य खंड पहला हमारा है साखी। कबीर जी द्वारा रचित ये साखियाँ हैं जिनकी व्याख्या हम आज करेंगे। ये दोहे हैं, छोटे छोटे से दोहे हैं, दो दो लाइन के, और बहुत ही प्रसिद्ध दोहे हैं। तो इनको हम पहले समझना शुरू करते हैं कि ये क्या कहते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि कबीर जी क्या थे। कबीर जी ने किसी भी धर्म को नहीं माना, वो मनुष्यता को मानते थे, ईश्वर को मानते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी धर्म को नहीं मानते थे। तो इनके जो हम दोहे पढ़ेंगे, आप उसमें इस चीज़ की झलक बहुत अच्छे से देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं, हमारा दोहे यानी साखियों की हम व्याख्या करेंगे। ये व्याख्या क्या कहती हैं देखते हैं हम। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होए। अब ये जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीर दास जी, कबीर दास जी कहते हैं कि हमको ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, मतलब ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि जिससे हम अपने आप को शीतलता या सुख तो प्रदान करें ही करें, साथ में लेकिन उसको जो सुने उसको भी बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ही फेस टू फेस एकदम से बोल देते हैं कि नहीं हमें नहीं करना, उसको भी बोलने के कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने वही बोला है, आपको कोई भी बात अगर बोलनी है, अपने मन के विचार रखने हैं, तो इतनी अच्छे तौर से रखिए कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले। आज के समय में यही नीति है कि हमें अपनी बात बोलनी है, मगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है कि जिससे हम अपने आप को भी गिल्टी फील ना कराएं और सामने वाले को भी बुरा ना लगे। तो वापस इस दोहे में आते हैं। कबीर दास जी कहते हैं ऐसी बानी बोलिए, मतलब हमें ऐसी भाषा यानी ऐसी बोली बोलनी चाहिए मन का आपा खोए, यानी जब हम बोलें उसको तो सुनने वाला अपना आपा खो दे, हमारी बात में ही रम जाए। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, उससे हमें अपने आप को तो शीतलता प्रदान हो ही, साथ में दूसरा जो सुने वो भी बहुत ही ज़्यादा शीतलता या ठंडक प्राप्त करे। अब हम अपने दूसरी व्याख्या इसका कला पक्ष देखते हैं। जैसे कोई भी दोहा होता है तो वो क्या लिखता है, कैसे उसके सामने प्रस्तुत किया गया है, इसको हम काव्य सौंदर्य भी बोलते हैं। जैसे कई जगह क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि इस दोहे का काव्य सौंदर्य या इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य व्यक्त कीजिए, तो उसी का ये हम कला पक्ष भी कहते हैं और काव्य सौंदर्य भी कहते हैं। क्या बोल रहा है, सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा भावाव्यक्ति से सक्षम है, मतलब जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही सरल और सहज है। बाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है, देखिए यहाँ पर बा और बा दो, एक वर्ण की आवृत्ति दो बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। घुमक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, क्योंकि इसमें घुमक्कड़ी भाषा मतलब किसी एक क्षेत्र की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें कई जगह की भाषाओं का इस्तेमाल करके इस दोहे का निर्माण किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नंबर दो, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। यहाँ पर इनके उन्होंने प्रभु की तरफ इंगित किया है कि हम क्या होता है, एक मृग होता है, मृग मतलब हिरण, हिरण क्या होता है उसकी नाभि में कस्तूरी की महक होती है, कस्तूरी हिरण जो होता है ना उसकी नाभि में बहुत अच्छी महक होती है। तो वो क्या करता है, जब मृग को वो महक आती है तो वो उस महक के पीछे पूरे वन में पूरे जंगल में जगह जगह घूमता रहता है, लेकिन वो तो उसी के मृग में, वो अपने आप को अपनी नाभि में देख ही नहीं रहा है और वो उसको पाने के लिए पूरे जंगल में घूम रहा है। तो उसी मृग से लेकर उन्होंने ईश्वर की तरफ हमें इशारा किया, क्या बोला है, कस्तूरी मंडल कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, मतलब मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और वो उस महक के लिए पूरे जंगल पूरे वन में ढूंढता रहता है,
वैसे ही ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देख ही ना है। उसी तरीके से हम भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं, जबकि ईश्वर खुद हमारे हृदय के अंदर है। हमें सबसे पहले अपने हृदय में देखना चाहिए। तो इस दोहे का क्या भाव निकलता है कि सभी के अंदर ईश्वर होते हैं, सबसे पहले हमें अपने अंदर खोजना चाहिए। फिर इसका भाव पक्ष क्या कहता है? अब भाव काव्य सौंदर्य में पहला हमारा आ रहा है भाव पक्ष, यानी क्या फीलिंग आ रही है इस बुक को पढ़ने के बाद, क्या फीलिंग आई। कबीर ने ईश्वर का स्थायी निवास मनुष्य का हृदय बताया है, मतलब ईश्वर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपके हृदय में मिलेगा। तो उसका स्थायी निवास क्या बताया? ईश्वर का हृदय। दूसरा, मृग का उदाहरण देकर बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है, यानी इसमें एक उदाहरण दिया उन्होंने मृग, कस्तूरी मृग का, और उसको उस बात से अपनी बात को पूरी तरह से प्रमाणित किया है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है। अब हम आ जाते हैं इसके कला पक्ष पे। कला पक्ष क्या है? सरल और सहज और घुमक्कड़ी भाषा है, क्योंकि कबीर दास जी हमेशा जगह जगह घूमते रहे, इसलिए उनकी भाषा घुमक्कड़ी भाषा रही या खड़ी बोली रही है। तो यहाँ पर उनकी घुमक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया। कस्तूरी बुकमंडली दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार है, देखिए का वर्ण की आवनत्ति हुई है और दुनिया देखे में भी दादा का हुआ है। फिर घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, देखो घटी घटी एक ही शब्द को हमने साथ साथ इस्तेमाल किया है और दोनों का अर्थ भी सेम है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। अब तीसरे दोहे में हम आते हैं, क्या बोलते हैं वो, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखो माही। यहां पर क्या, यहां पे भी प्रभु से रिलेटेड ही उन्होंने बोला। उन्होंने क्या बोला, जब मैं था हरी नहीं, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, अहंकार मतलब सिर्फ मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, जब हमारे अंदर वो मैं शब्द अहंकार के रूप में स्थापित रहता है तब हमारे अंदर ईश्वर नहीं होता। तब हमारे अंदर ईश्वर, यानी कि हमारे अंदर जब अहंकार व्याप्त था तो हमारे अंदर ईश्वर नहीं होता। और अब हरी हैं, यानी कि जब हमारे अंदर ईश्वर आ गए, जब हमारे अंदर ईश्वर आ गए, हमने ईश्वर को अच्छी तरह अपने अंदर आत्मसात कर लिया, तो हमारे अंदर का सारा अहंकार मिट गया, सारा अंधियारा मिट गया। जैसे दीपक जलने से, जैसे दीपक एक अंधेरे कमरे में जल जाता है और हर जगह अंधियारा मिट जाता है और उजाला ही उजाला हो जाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में ईश्वर रूपी दीपक जल गया और उसका सारा अंधियारा हट गया। ये देखना, जब दीपक देखो माही, और ईश्वर रूपी दीपक जब हमने देखा तो जला लिया अपने हृदय में, तो मेरे हृदय का सारा अंधियारा, यानी जितना भी पाप क्लेश द्वेष सब कुछ था और जो अहंकार मेन रूप में था स्थापित, वो सब कुछ हमारे पास से हट गया। अब इसका काव्य सौंदर्य भाव पक्ष क्या बोलता है, इसमें ईश्वर प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमारे अंदर अहंकार रहेगा तो ईश्वर नहीं रहेगा। तो उन्होंने बोला ईश्वर को प्राप्त करना है तो पहले आपको अपने अहंकार का नाश करना होगा। फिर अहम भाव को ईश्वर प्राप्ति में बाधक बताया है, यानी हमारे अंदर जो मैं स्थापित रहता है, यानी मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही है, ये भाव जब तक हमारे अंदर रहेगा हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ये अहंकार ईश्वर प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक है। अब इसका कला पक्ष आते हैं। कला पक्ष क्या कहता है? मैं शब्द अहम भाव के लिए प्रयोग किया गया है, यानी जो हम अहम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं, यानी मैं सब कुछ हूं, मैं सर्वोपरि हूं, इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। हरी है दीपक देखो में अनुप्रास अलंकार है, देखिए इसमें ह ह शब्द की आवनत्ति, वर्ण की आवनत्ति हुई और उसमें दा और दा की आवनत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है और दीपक ज्ञान का प्रतीक है। देखिए इसमें जो इन्होंने बताए हैं, जरूरी नहीं, इसके अलावा भी आप इसमें बहुत से भाव सौंदर्य ढूंढ सकते हैं, तो जो आपकी समझ में आ रहा है आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना 4। सुखिया सब संसार खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर हैं जागे अरु रोए। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ईश्वर, अब इसमें भी ईश्वर से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, मगर उन्होंने क्या बोला, सुखिया है सब संसार। वो कहते हैं ये सारा संसार जो है वो सुखी है,
वो ये सारा संसार सुखी है। क्यों सुखी है? खाए अरु सोए, मतलब पेट भर के खाता है और फिर वो सो जाता है सुख की नींद। दुखिया दास कबीर, और इस संसार में अगर कोई दुखी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कबीर दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? ये क्या कहते हैं, जागे अरु रोए। क्यों कबीर दुखी हैं? क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उनको ढूंढने के लिए जगह जगह घूमते रहते हैं, रात रात भर जागते हैं, रोते हैं, और वो उनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा दुखी है तो वो सिर्फ कबीर है, क्योंकि वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमेशा विचलित रहते हैं। फिर से बता रही हूं, सुखिया सब संसार, मतलब कबीर दास जी कहते हैं उनके हिसाब से ये सारा संसार बहुत ही सुखी है, वो पेट भर के खाता है और आराम से सो जाता है। यहाँ दुखिया, सिर्फ दुखिया यानी बहुत ज्यादा दुखियारी दुखा कौन है? कबीर दास जी। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए सारी सारी रात जागते हैं, उनका तप करते हैं और उनको पाने के लिए विचलित रहते हैं और रोते रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा दुखी सिर्फ कबीर है। अब इसका काव्य सौंदर्य हम देखते हैं क्या बोलता है। चिंतनशील मनुष्य की व्याकुलता को प्रकाशित किया है। यहाँ पर कबीर ने अपने जरिए उन लोगों के बारे में बात करी है जो चिंतनशील हैं, यानी जो सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। उन्होंने तो बताया ईश्वर पाने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उनको नींद नहीं आती। जैसे आप लोग क्लास 10 का एग्जाम देने के लिए क्या करोगे, रात रात भर जागोगे, पढ़ाई करोगे, स्टडी करोगे, तो वो आपकी नींद खो गई। तो यहाँ पर चिंतनशील मनुष्यों को सर्वोपरि बताया है कि हम जब अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं तो हमें नींद नहीं आती। फिर इसका कला पक्ष, भाषा सरल और सहज है और भावाभिव्यक्ति है, यानी इसमें भाव ज्यादा हैं, कम शब्दों में ज्यादा भावों को व्यक्त किया गया है। सुखिया सब संसार, दुखिया दास में अनुप्रास अलंकार है, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। ठीक, अब नेक्स्ट, विरह भुवंग तन बसे मंत्रा ना लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा होए। यहां पर भी फिर इन्होंने ईश्वर की तरफ इशारा किया है। कैसे? इन्होंने क्या बोला, विरह भुवंग तन बसे, यानी ईश्वर से जो जुदाई होती है उसे इन्होंने विरह बताया, यानी ईश्वर से जो विरह रूपी हमको दर्द प्राप्त हो रहा है वो एक सांप के समान है, यानी सांप होता है ना, उसके समान है, और वो हमारे तन में बसा हुआ है। ईश्वर के विरह रूपी जो सांप है वो हमारे तन के अंदर बस गया है, हमें डस गया है, और कोई भी मंत्र डाल लो वो कोई असर नहीं करता। ठीक है, ईश्वर से विरह जो है, ईश्वर से जो दूरी है उसको इन्होंने सांप का डसना बताया। जैसे सांप के डस जाता है और विष पूरे शरीर में फैल जाता है, उसी तरह ईश्वर से जो विरह है उसका दुख उनके शरीर में बसा हुआ है। जितने भी मंत्र फूंक लो, कुछ कर लो, मगर वो विष उतरने का नाम नहीं लेता। ठीक है, फिर उन्होंने बोला राम वियोगी ना जिए, यानी जब वो विरह हमारे शरीर में आ जाता है, अर्थात वो हमारे विष में आ जाता है, तो जो उसका जीवित रहना उस मनुष्य का मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार ईश्वर से विरह प्राप्त किया व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता, और अगर जीवे, मतलब जीवे तो बौरा होए, और अगर वो जीवित रह जाता है तो वो पागल हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने उदाहरण सांप के काटने के बाद चढ़ने वाले विष का इन्होंने विरह, ईश्वर के विरह से समानता दिखाई है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में सर्प के काटने का उदाहरण दिया, जिस तरीके से सांप काट लेता है और शरीर में विष चढ़ जाता है, कोई भी मंत्र काम नहीं करता, विष नहीं उतरता, उसमें फलस्वरूप इंसान को मृत्यु प्राप्त होती है, और अगर वो बच भी जाता है तो पागल हो जाता है। उसी तरह ईश्वर की जो मोहमाया में फंस जाता है और जो विरह उसको तड़पाता है, उसमें सिर्फ यही है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अगर उसके बावजूद वो बच जाता है तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है। इसका भाव सौंदर्य क्या कह रहे हैं, राम वियोगी मनुष्य की दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है, मतलब जो राम का वियोग सहते हैं उनका मार्मिक चित्रण है। विरह की तुलना सर्प से की गई, हमने अभी आपको बताया सर्प से की गई है। कला पक्ष क्या है, भाषा सरस सरल और भाव व्यक्ति सक्षम है। विरह भुवंग में रूपक अलंकार है। देखिए विरह और भुवंग में रूपक अलंकार क्यों है,
यहाँ पर दूरी बताई गई भाव और भुमंग यहाँ सर्प है, विशेषण और विशेष्य है और ये दोनों ही साथ में प्रयुक्त किए गए हैं इसलिए ये रूपक अलंकार है। फिर सधुक्कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो उनकी भाषा में है। नेक्स्ट हमारा सिक्स क्या कह रहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बांध बिन सावण पानी बिने निर्मल करे सुधा। यहां पर क्या कह रहे हैं, निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, यानी जो हमारी बुराई करता है, ठीक है, जो व्यक्ति हमारी बुराई करता है उसे हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अपने आप से दूर नहीं रखना चाहिए। इवन उसको क्या दिया उन्होंने, आंगड़ी कुटी बधाए, चाहो तो अपने आंगन में एक कुटिया बना के उसको वहां पर रखो, उसको पालो पोसो। जो व्यक्ति तुम्हारी बुराई करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो तुम्हारी बुराई करता है उस व्यक्ति को हमेशा अपने साथ रखो, अपने घर के आंगन में कुटिया बनवाओ और उसको उसमें रखो। बिन सावण पानी बिना, यहाँ पे क्या भैया, अर्थात यहाँ जिस तरीके से साबुन और पानी के प्रयोग के बिना हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देता है, यानी कि जिस प्रकार साबुन पानी के साथ मिलकर हम शरीर को स्वच्छ करता है, उसी प्रकार निंदा यानी कोई मनुष्य अगर हमारी बुराई करता है तो वो हमारे अंदर की सफाई करता है। हम अगर साबुन पानी लेके किसी चीज को स्वच्छ करते हैं, रगड़ते हैं तो वो साफ हो जाती है, रगड़ने से चोट जरूर पहुंचती है। उसी प्रकार निंदा यानी कोई अगर हम कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हमारे हृदय को चोट जरूर पहुंचेगी लेकिन वो अंदर से हमारी सफाई कर देगा। अगर वो हमारी बुराई कर रहा है मतलब हमारे अंदर कुछ गलत है, तो जब वो हमको हमारी बुराई करेगा हमारे कानों में जाएगी तो हम उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या है, जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है वो अंदर से हमारे स्वभाव की सफाई करता है, हमारे अंदर की बुराइयों को साफ करता है। तो इसलिए अर्थात निंदा सुनकर हम अपनी जितनी त्रुटियां हैं उनको सुधार लेते हैं, इससे हमारी स्वभावगत बुराइयां दूर हो जाती है। मतलब जब अपनी त्रुटियां सुनते हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। क्लियर। अब इसको हम आगे देखते हैं, इसका काव्य सौंदर्य क्या कहता है। इसमें निंदक के महत्व को दर्शाया गया, मतलब जो बुराई कर रहा है उसके महत्व को दर्शाया गया कि वो हमारे लिए कितना जरूरी है। इसलिए कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर हम क्रिटिसिज्म सह लेंगे तो हम मतलब सब कुछ सह सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिटिसिज्म सहने के बाद में हम अपने अंदर की सारी चीजों को हटा देते हैं। निंदक को अपना परम हितैषी समझना चाहिए, मतलब जो हमारी बुराई कर रहा है वो हमारा परम मित्र होता है। कला पक्ष क्या कहता है, भाषा सरल सहज एवं सरल है तथा भाव व्यक्ति से सक्षम है। निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। ये कबीरदास के दोहे में लगभग एक सेम यही चीजें हैं। आप अलंकारों का प्रयोग अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, इन सारे अलंकारों को देखेंगे, उनकी भाषा सदुक्कड़ी या खड़ी बोली रहेगी हमेशा। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं नंबर 7, पोथी पड़ी पड़ी जग मुहा पंडित भया न कोई, एके आखिर पीव की पढ़े सुपंडित होए। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यह सारा संसार, ये जितनी भी संसार के लोग हैं, ये पुस्तक पुस्तक जितनी भी पुस्तकें पढ़ ली, पढ़ पढ़ के मर गए मगर कोई भी पंडित नहीं बन पाया। पंडित बनने का अर्थात मतलब जो दूसरों को अच्छा ज्ञान दे सके। तो यहां पर क्या दिया, यदि मनुष्य ईश्वर का ईश्वर रूपी अक्षर अपने अंदर आत्मसात कर ले, यानी अपने अंदर ले ले, तो क्या होगा, पूरा पढ़े सो पंडित हो, अगर उसको पढ़ ले तो वो पंडित हो जाएगा। यहां पंडित का मतलब ये नहीं है कि वो तिलकधारी और केसरी जो वस्त्र पहने रहते हैं, यहां उन पंडितों से मतलब नहीं है। पंडित उन व्यक्तियों से मतलब है जो हमें अच्छी बातें, अच्छे संस्कार सिखाएं जीवन के। यहाँ किसी धर्म से रिलेटेड चीज को बात नहीं हुई है, यहाँ बात हो रही है वो व्यक्ति जो हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराए, आत्मसात करने के लिए हमसे बोले। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ, मतलब पुस्तकें पढ़ पढ़ के इंसान जो है वो मर गया। पंडित भया न कोई, और कोई भी इतना ज्ञानी नहीं हो सका, कोई भी इतना ज्ञानी नहीं हो सका कि वो विश्व को ज्ञान प्राप्त करा सके।
एक ही आखिर पी विकी, यानी कि अगर एक अक्षर भी ईश्वर का जान लिया होता, या जानने का मतलब क्या, ईश्वर की एक क्वालिटी भी अगर अपने अंदर वो ले आए तो क्या होगा, पढ़े तो पंडित होए, यानी कि उस एक अक्षर से भी वो इंसान ऐसा हो जाएगा कि वो सारे विश्व को उतार सकता है। अब इसका कला काव्य सौंदर्य क्या कहता है, सबसे पहले भाव पक्ष, ईश्वर प्रेम तथा ईश्वर भक्ति से ही ज्ञान प्राप्ति होती है, यानी कि जब हम ईश्वर को अपने अंदर लेते हैं तो हमें हर एक चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पुस्तकों को पढ़कर रट कर ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, यानी हम यहाँ पर पुस्तकों को पढ़ते हैं रटते हैं उससे हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। देखिए इसमें उन्होंने तो उस समय की बात करी, लेकिन हम इस समय भी आपको एक प्रैक्टिकली चीज़ बताते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, किताबें खोली, रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, रटते हैं। बहुत अच्छा होगा कि वो रटने वाली चीज़ों को आप अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में लाने की कोशिश करें। आप जितना उसको अपनी लाइफ में लाएंगे आपके लिए पढ़ाई उतनी ही इजी होती जाएगी। साइंस है, साइंस में हमारे आसपास साइंस भरमार रूप में है, गैस के चूल्हे में है, रेफ्रिजरेटर में है, माइक्रोवेव में। आप खाली, आपको वो जो आप पढ़ रहे हैं इक्वेशंस, उनको आप उनके अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप रटिए नहीं, समझिए और उसको जितना हो सके अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। अब कला पक्ष क्या कहता है, भाषा सहज एवं सरल है तथा भाव व्यक्ति है, पोथी पढ़ पढ़ में अनुप्रास अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। लास्ट पैरा हमारा, लास्ट दोहा क्या कह रहा है, हम घर जा लिया आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जा लियो तास का जे चले हमारे साथी। अब पहले हम इसको, इसका जो सामने अर्थ है वो हम आपको बताएंगे, फिर उसके पीछे जो छिपा है वो हम बताएंगे। पहले वो क्या कह रहा है, पहले मैंने अपना घर जलाया, पहले मैंने अपना घर जलाया और अब ले ली है हाथ में मशाल, और अब ले ली है हाथ में मशाल, अब जो भी मेरे साथ चलेगा मैं उसका भी घर जला दूंगा। ये चीज बोली गई है इस दोहे में सामने। अब इसके पीछे जो भाव छिपा है उसको समझिए। कबीरदास जी कहते हैं कि सबसे पहले मैंने अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर मारकर नाश कर दिया है और अब मैंने अपने हाथ में ज्ञान रूपी मशाल थाम ली है। ठीक है, पहले मैंने अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर राख कर लिया, किससे, ज्ञान से, अब मैंने ज्ञान रूपी मशाल अपने हाथ में ले ली है और अब जो जो भी मेरे साथ रहेगा, जो जो भी मेरे साथ चलेगा, मैं उसके अंदर की सारी बुराइयों को इसी ज्ञान रूपी मशाल से जलाता हुआ चला जाऊंगा। इस तरीके से दिया, तो आप यहां पर इसके साथ में पूरी व्याख्या इसको लिख सकते हैं। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं क्या है। कबीरदास जी समाज को सुधारने का महान कार्य करना चाहते हैं। अब उन्होंने पहले अपने अंदर की मिटाली बुराइयां, अब वो क्या कह रहे हैं, हम आपकी मिटाएंगे। फिर वे चारों ओर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हैं। उन्होंने बोला ना, हमने हाथ में ज्ञान की मशाल ली है, तो अब उस ज्योति से क्या, वो सबके दिलों में जला रहे हैं आग ज्ञान की, तो पूरा विश्व उससे प्रकाशित हो जाएगा। फिर कला पक्ष क्या कहता है, भाषा सहज एवं सरल है तथा भाव व्यक्ति सक्षम है, घर एवं मशाल का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। यहाँ पर प्रतीक दिया गया है, घर यानी कि घर का मतलब क्या हुआ, हमने अपने शरीर को घर बताया, शरीर को घर का प्रतीक बताया है, और मशाल को क्या बताया है, ज्ञान का प्रतीक बताया, तो यहाँ पर प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया, सदुक्कड़ी भाषा और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है, यानी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख के आपको बता रहे हैं, इसलिए वो प्रतीक के तौर पे हमने इस्तेमाल किया। इस तरीके से हमने अपने दोहों की व्याख्या को पूर्ण किया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बताएंगे कि आप उनके प्रश्न उत्तर कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।